सो गाइज, हमारा ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है, जस्ट हमने अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे हमारे लिए 10 लाख तक का पर्सनल लोन दिया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से दो तरह का लोन मिलता है, एक तो जो लिमिट होता है उसमें से डिक्रीज करके कम करके दिया जाता है, और दूसरा लोन होता है कि जो आपका लिमिट है वो लिमिट के साथ में प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। सो यहाँ पे हमारे लिए लिमिट के साथ में जो ऊपर का अमाउंट है ये लोन दिया जा रहा है। अगर हमने इस लोन को इधर से अप्लाई करते तो हमारा लिमिट भी पूरा रहेगा, प्लस ये लोन भी हमको मिल जाता है। सो इसके पहले भी हमारे लिए 3 लाख का लोन मिला था, तो उसमें से 1 लाख रुपीज़ हमने ले लिया था, तो अभी इसका EMI भी पूरा होने वाला है। सो अभी इस लोन को कैसे अप्लाई करना है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, और इसका EMI डेट कब बताएं, और इसको कैसे पे करना है, और इस लोन को कैसे चेक करना है, सारा प्रोसेस आज के वीडियो में आपको बताने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, इस लोन को चेक करने के लिए आपको ICICI बैंक के आई मोबाइल ऐप से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करेंगे तो उधर भी आपका लोन शो होता है। अगर आपके लिए लोन मिला है तो उधर भी शो करता है। सो अभी हम आपको ICICI बैंक के आई मोबाइल ऐप है इसमें प्रोसेस करके बताने वाला है। सो जस्ट आपको पहले आई मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे, इधर से ICICI बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको माई कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हमने पहले बता दिया कि इसमें से दो तरह का लोन मिलता है, एक तो यहाँ पे पर्सनल लोन दिया जा रहा है हमारे क्रेडिट कार्ड के बेस पर यहाँ पे 10 लाख का, और दूसरा लोन जो क्रेडिट लिमिट है उसमें से भी दिया जा रहा है। सो अभी यहाँ पे हमारे लिए 10 लाख का यहाँ पे पर्सनल लोन मिला है, अवेलेबल नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है 10 लाख का लोन है, यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस करके यहाँ पे आ गया है। इस तरह का एक पेज शो होता है अगर आपको कितना लोन चाहिए। अगर हमने यहाँ से 10 लाख का लोन लेंगे तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में पूरा 10 लाख आ जाता है, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ से मिल जाता है। ये जो भी लोन होता है ये प्री अप्रूव ऑफर होता है। सो अभी आपको यहाँ पे 1 लाख के लिए बताने वाला है। सो आप कितना लेना चाहता है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे अप टू 10 लाख तक, 10 लाख तक के लिए हम जितना भी यहाँ से अप्लाई करेंगे वो लोन हमको मिल जाता है। सो अभी हमें आपको यहाँ से 1 लाख का सेलेक्ट करके बताएंगे, तो इसमें आपको मिनिमम 20,000 से लेके यहाँ पे हमारे लिए 10 लाख तक के बीच में जो भी लोन अमाउंट हम सेलेक्ट करते हैं वो लोन हमको मिल जाता है। और यहाँ पे इसका टेन्योर भी मिनिमम 3 मंथ है, 3 मंथ से लेके 60 मंथ तक के लिए यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पे 12 मंथ के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया एनुअल यहाँ पे 16% है। सो जब आप इस तरह से लोन अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एवरी मंथ EMI कितना बनेगा वो अमाउंट यहाँ पे शो होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 16% हो गया, और जो भी लोन अमाउंट आप इधर से सेलेक्ट करते हैं उसका 1% प्रोसेसिंग फी होता है। ऐसा नहीं कि आपको जितना लोन ऑफर मिल रहा है वो पूरा लोन अमाउंट का 1% प्रोसेसिंग फी नहीं होता है, जो लोन अमाउंट आप यहाँ से फिल करते हैं उसी का 1% होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 1 लाख सेलेक्ट किया तो उसका 1,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी हो गया, और इसका जो भी EMI बन के आता है तो उसमें आपका GST भी थोड़ा ऐड हो के आपका इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि जो भी आपका EMI बन जाता है उसी में इंक्लूड होके पूरा आ जाता है, उसका पूरा चार्ट देखने को मिलेगा, आपके ईमेल में भी आ जाता है, इस तरह का चार्ट आता है। तो आपको एवरी मंथ कितना पे करना है, कितना पे हो रहा है, आपने जितना मंथ के लिए सेलेक्ट किया था पूरा उसका समरी आपके मेल पर आ जाता है। तो उसके बाद में आपको इंटर बैंक डिटेल इस पर क्लिक करना है। तो याद रहे कि यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट फिल करना है, और जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे फिल करता है इसी बैंक अकाउंट में वो लोन अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ से फिल करना है, आपका जो सेविंग अकाउंट नंबर इसमें फिल करना है, फिर इधर भी सेम टू सेम वही री इंटर करके सेविंग अकाउंट फिल करना है, आपका बैंक नेम क्या है वो यहाँ पे फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है, और उसके बाद में आपका बैंक में जो नेम है वो यहाँ पे फिल करना है, और ये सब फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे फाइनलाइज योर ऑफर है इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में थोड़ा सा कुछ प्रोसेस होता है उसको आप फॉलो कर दे दो, ये लोन आपके ये बैंक अकाउंट में आ जाता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये लोन का जो भी EMI बन जाता है
वो आपका क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ऐड होके आता है। ऐसा नहीं कि आपका इसका डिफरेंट अलग से आपका ईएमआई पे करना पड़ेगा, और इसी बैंक से जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे फिल किया है इसमें से ऑटो डेबिट होता है, ऐसा नहीं है। ये सेविंग अकाउंट आपके जो लोन अमाउंट इसमें क्रेडिट हो जाता है, और जो भी इसका ईएमआई एवरी मंथ ईएमआई बन के आता है वो आपका क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट के टाइम में उसी में अटैच होके आ जाता है, और उसी के साथ में ये लोन को भी एक साथ में पे करना है। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड से आपने यूज़ किया था लिमिट और ये लोन का जो ईएमआई बन जाता है वो दोनों ऐड होके एक ही साथ में एक ही अमाउंट में आ जाता है, उसको उधर से पे करना है आपको। सो गाइस, अभी के लिए अभी ये लोन अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा पहले वाला लोन का भी ईएमआई चल रहा है। सो अभी हम आपको जस्ट बताने के लिए ये सब प्रोसेस करके बताया। सो जब आपके लिए इस तरह का लोन ऑफर आता है तो आपको पहले चेक करना है वहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट से दिया जा रहा है या फिर लिमिट के साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है, वो सब चेक करना है। अगर आपको लिमिट के साथ में ये ऐसा लोन मिलता है तो इस लोन को अप्लाई करेंगे तो आपका जो लिमिट है वो भी आपको क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जो लिमिट है उसमें से लोन मिलेगा तो आपका लिमिट कम हो जाता है वहाँ पे, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। सो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये लोन अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस, यही था आज के लिए। वीडियो देखने से थोड़ा भी हेल्प मिलागा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्त के पास शेयर करिए, और ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।